संध्या जैन, आज अरुण चाइल्ड हॉस्पिटल का 18 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और हम लगातार इस कोशिश में हैं कि यहाँ की जनता को, यहाँ के बच्चों को हम वो सुविधा दे पाएँ जो कि हम पहले दिल्ली पहुँचा दिया करते थे। तो उसी में एक गर्मियाँ इस समय बहुत है, तो हमने कोशिश की है कि गर्मियों में जो बच्चों को परेशानियाँ होती हैं वो किस वजह से होती हैं उसका निदान किया जा सके, इसके बजाय कि हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट करें और उसका इलाज करें। वो तो है ही एक कि अगर बच्चा बहुत बीमार है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो माएँ सावधानी ले सकती हैं, जैसे कि खुला हुआ खाना बच्चे को ना खिलाएँ, ठेले पे बिक रहा है तरबूज, बिक रहा है खरबूजा, बिक रहा है वो खुला हुआ होता है, उसमें मक्खियाँ बैठती हैं, वो हम लेके डायरेक्टली बच्चे को खिला देते हैं, वो हम ना खिलाएं। दूसरा, अगर थोड़ा बहुत लगता है कि बच्चे को दस्त हो गए हैं तो हम घर में ही नींबू की शिकंजी बना के उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, वो ORS की तरह ही काम करता है जो कि बाजार में मिलता है, तो हम घर की चीज़ें देख के हम थोड़ी बहुत कमी तो पानी की बच्चे की पूरी कर सकते हैं। बस यही, खुला हुआ खाना ना खिलाएं, ढका हुआ खाना खिलाएं, मक्खियाँ ना बैठने दें, गंदे हाथों से ना खाना छुएं, इन सावधानियों को लेते हुए हम बच्चे को काफ़ी हद तक लूज मोशन से या दस्त से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ बस मैं एक बार और धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सब लोगों का कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ खड़े होकर आपके सामने हम जनता की सेवा कर पा रहे हैं।